हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गुमसकार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप विजिट करें कॉन्फिडेंस पॉइंट पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे, ठीक है ना। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड 2020 के लिए अनसॉल्व पेपर 2017 का सेट फर्स्ट, ठीक है ना। इसका पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक, 5, 7, 11, 0, 8, 5, 2, 3 माइनस का 1, ठीक है, तो इसके शीर्ष की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी खंड हल करने हैं, सारे पार्ट्स इसके सॉल्व करने हैं, चार पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, क पार्ट मध्य बिंदु दे रखे हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। पहला बिंदु का निर्देशांक दे रखा है 5, 7, 11, ठीक है ना। दूसरा बिंदु दे रखा है 0, 8, 5, ठीक, और तीसरा बिंदु दे रखा है 2, 3, -1, ठीक। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं, माना त्रिभुज के शीर्ष, ठीक ना, क्या क्या शीर्ष होंगे, मान लेते हैं X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3 है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन दे रखा है। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2 मार्क्स में इसको देना नहीं चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में फिट होता है। देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले मध्य बिंदु का फॉर्म लगाते हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला होगा, पहले दो बिंदुओं का मध्य बिंदु, ठीक है ना, ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो ए बी का मध्य बिंदु हमारा 5, 7, 11 है, तो ए बी का मध्य बिंदु जो X1 + X2 / 2, Y1 + Y2 / Z1 + Z2 / 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, 7 और 11। देखिए इसको इसके बराबर रख देंगे, इसको इसके बराबर रख देंगे, इसको इसके इसके बराबर रख देंगे, तो इक्वेशन मिलेगा X1 + X2 = 5 × 10। दूसरा इक्वेशन मिलेगा Y1 + Y2 = 7 × 14 और Z1 + Z2 = 11 × 22, ठीक। देखिए इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड और इसको मान लेंगे थर्ड, ठीक। देखिए बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु, ठीक है, बीसी का मध्य बिंदु मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, तो यहां से हमें इक्वेशन मिलेगा, देखिए X2 + X3 / 2, Y2 + Y3 / 2, Z2 + Z3 / 2। देखिए इसके बराबर हम लिखेंगे यहां पे क्या डालेंगे, देखिए इसका मध्य बिंदु है 0, 8, 5, ठीक। तो यहां से हमें मिलेगा X2 + X3 = ये 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा तो Y2 + Y3, इस 2 का 8 से मल्टीप्लाई जाएगा तो जाएगा 16 और Z2 + Z3 इस 2 का से मल्टीप्लाई जाएगा तो जाएगा 10, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, इसको मान लेते 4, ये हो गया हमारा 5 और ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक। दूसरा ऐसे अब एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु, देखिए एसी का मध्य बिंदु क्या होगा, ए और सी बिंदु, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा सी, इसका मध्य बिंदु X1 और X3 है, तो हम लिखेंगे X1 + X3 / 2, Y1 + Y3 / 2, Z1 + Z3 / 2 इक्वल टू, देखिए इसका मध्य बिंदु क्या है, ये हो गया हमारा 2, 3 और -1, तो इसको लिखेंगे 2, 3, -1,
ये इसके बराबर हो जाएगा तो हम लिखेंगे एक्स वन प्लस एक्स थ्री इक्वल टू फोर, वाई वन प्लस वाई थ्री इक्वल टू सिक्स एंड जेड वन प्लस जेड थ्री इक्वल टू माइनस का टू। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सात, इसको मान लेंगे आठ और इसको मान लेंगे नौ। अब हमारे पास नौ इक्वेशन और नौ इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू और एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री का वैल्यू निकालना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन जाएगा ये। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन यहाँ पे फोर्थ को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्स टू इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स थ्री। ठीक, देखिए समीकरण नंबर एक दो और तीन, एक चार और सात का यूज करते हैं। समीकरण एक चार ब सात से देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू, एक्स टू की जगह देख सकते हो माइनस का एक्स थ्री, तो हम लिखेंगे एक्स वन माइनस का एक्स थ्री इक्वल टू टेन। ठीक, देखिए चौथा इक्वेशन हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स थ्री इक्वल टू फोर, तो लिखेंगे एक्स वन प्लस एक्स थ्री इक्वल टू फोर। दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा आपका चौदह, कितना आएगा चौदह, तो एक्स वन बराबर हो जाएगा आपका सात। तो एक्स वन का वैल्यू कितना आएगा सात हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स वन का वैल्यू सात। ठीक है, ओके। अच्छा, एक्स वन का वैल्यू समीकरण नंबर किस में रख देते हैं, सात में रख देते हैं। तो समीकरण सात से देखिए समीकरण सात में अगर रखेंगे एक्स वन का वैल्यू सात, सात इधर आएगा तो चार में से सात घटेगा तो कितना बचेगा एक्स थ्री इक्वल टू हो जाएगा माइनस का तीन। अच्छा, एक्स थ्री अगर माइनस का तीन है तो एक्स थ्री का वैल्यू जो है समीकरण नंबर हम किस में रखते हैं चार में। ठीक, तो समीकरण चार में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे हंस का वैल्यू तो एक्स टू इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स थ्री है तो एक्स थ्री माइनस का थ्री है तो एक्स टू बराबर हो जाएगा आपका प्लस का थ्री। ठीक, एक्स वन एक्स थ्री एंड वाई टू का वैल्यू हमारा निकल गया। अच्छा, सेम हम क्या करेंगे, आप यहां पे सॉल्व करेंगे समीकरण दो पांच व आठ से। देखिए दो पांच और आठ से हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए सिंपली हम क्या करते हैं यहां से ना, हम बाई वन का वैल्यू निकाल देते हैं चौदह माइनस का बाय टू। ठीक है ना, इसका वैल्यू हम उठा के रख देते हैं किसमें, समीकरण नंबर छ में। तो समीकरण नंबर छ में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाई वन हो जाएगा ये जो वाई टू माइनस का सॉरी देखिए ये वाई वन इक्वल टू चौदह माइनस वाई टू, तो जब वाई टू माइनस का चौदह, ठीक ये जब प्लस का चौदह वाई टू माइनस का, और ये समीकरण समीकरण नंबर हो गया आठ, इसमें वाई वन का वैल्यू रख दिया। अच्छा, वाई थ्री प्लस का वाई थ्री इक्वल टू छ, देखिए क्या जाएगा माइनस का वाई टू प्लस का वाई थ्री इक्वल टू, देखिए चौदह इधर आके इधर आ जाएगा तो छ में से चौदह घटेगा कितना बचेगा आठ, माइनस का आठ हो जाएगा। ठीक, अच्छा समीकरण नंबर पांच देखेंगे तो y2 टू प्लस वाई थ्री इक्वल टू कितना 16 है, तो y2 टू प्लस वाई थ्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 16। थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि लेंदी हो जाएगा बहुत क्वेश्चन, दो मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस कर देंगे इक्वेशन को तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू वाई थ्री इक्वल टू सोलह में से आठ घटेगा तो बचेगा आपका आठ, तो वाई थ्री इक्वल टू हो जाएगा चार। ठीक, अच्छा वाई थ्री का वैल्यू समीकरण नंबर आठ में रख देते हैं, तो समीकरण नंबर आठ में रखेंगे तो हमें यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए y3 का वैल्यू अगर चार रख देंगे तो छह में से चार घटेगा कितना बचेगा दो, तो y1 बराबर हो जाएगा आपका दो। अच्छा, y1 का मान अगर समीकरण नंबर किस में रखते हैं एक में रखते हैं तो ये दो इधर आएगा तो चौदह में से दो घटेगा तो कितना बचेगा आपका बारह, तो यहाँ पे y3 इक्वल टू हो जाएगा आपका बारह। ठीक है, अच्छा इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं समीकरण दो, दो नहीं तीन छ और नौ में। ठीक ना, दो तीन छः और नौ में। देखिए समीकरण नंबर तीन से जेड वन का वैल्यू निकाल देते हैं तो जेड वन बराबर जो बाईस माइनस जेड टू। ठीक ना, इसका वैल्यू रख देते हैं समीकरण नंबर तीन में सॉरी नौ में, जेड वन की जगह रख देंगे बाईस माइनस का जेड टू। तो देखिए ये जो बाईस माइनस का जेड टू प्लस का जेड थ्री इक्वल टू माइनस का, तो देखिए बाईस को इधर भेज देंगे तो माइनस बाई माइनस का बाईस हो जाएगा और माइनस का दो, माइनस का चौबीस हो जाएगा, तो माइनस का जेड टू प्लस जेड थ्री इक्वल टू जाएगा माइनस का चौबीस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सिक्स इक्वेशन देखते हैं, सिक्स वाला इक्वेशन हम इसको ऐड कर देते हैं, जेड टू प्लस जेड थ्री इक्वल टू टेन, तो जेड टू प्लस जेड थ्री इक्वल टू हो जाएगा आपका
जोड़ देंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2z3 इक्वल टू, देखिए 24 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा, माइनस का 14, तो z3 इक्वल टू माइनस का 7। अच्छा z3 का मान अगर समीकरण नंबर किसमें रखते हैं, 9 में, किसमें रखेंगे 9 में, तो देखिए यहां पे z3 का वैल्यू कितना आ रहा हमारा, माइनस का 7, ठीक ना, माइनस का 7 अगर यहां पे रखेंगे तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 7 और प्लस का, सॉरी माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का 7 माइनस का 2 तो प्लस का 5, तो यहां से हमारे पास आएगा z1 = 5, z1 = कितना जाएगा 5, ठीक है। चलिए अच्छा z1 का वैल्यू हो गया, z1 का वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं इसमें, ठीक ना, तो ये जाएगा तो आपका 5, ठीक ना, तो 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 22 में से 5 कटेगा तो जाएगा 17, तो जाएगा आपका z2 = जाएगा आपका 17, ठीक। तो बिंदु क्या क्या हो जाएगा वो लिख लेते हैं, देखिए बिंदु जो x1 y1 z1, x1 का वैल्यू यहां पे देखेंगे तो x1 बराबर हो जाएगा 7, ठीक ना, y1 का वैल्यू देखेंगे तो y1 = 2, ठीक ना, और z1 का वैल्यू देखेंगे z1 = हो जाएगा 5, ठीक ना, x2 y2 z2, x2 का वैल्यू देखेंगे यहां पे x2 बराबर 3, ठीक 3, अच्छा x2, अब y2 का वैल्यू देखेंगे इसमें, तो y2 का वैल्यू आ जाएगा यहां पे हमारा, ये है y2 का वैल्यू, ठीक y2 = कितना है 12, दिया जाएगा आपका 12, एंड z2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 17, ठीक। x3 का वैल्यू देखिए, x3 = कितना है माइनस का 3, तो ये माइनस का 3, y3 का वैल्यू यहां पे आएगा 4, ठीक ना, और z3 का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 7, ठीक। तो ये जो हमारे तीनों बिंदु, ठीक, देख सकते हैं कितना लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th का ख पार्ट, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4th का ख पार्ट, देखिए यहां पे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1/e^x - dx, e^x - 1 dx, ठीक। तो इंटीग्रेशन i बराबर मान लेते हैं dx/e^x - 1 का इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल इसका इंटीग्रेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुटिंग e^x - 1 = t, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो e^x (e^x)(dx) = dt, तो dx = आपका dt/e^x, और e^x को लिख सकते हैं हम t, तो dx = dt/t, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पे, तो i बराबर जो इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 1/t + 1 आ जाएगा ये आपका, क्योंकि e^x - 1 = क्या माना हमने, t, तो t (dt/t + 1) दिया जाएगा आपका इंटीग्रेशन, देखिए 1/t (t+1) देखिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ना, इसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, किस तरीके से, 1/t - 1/t+1 लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे, देखिए t का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो t+1, इसका t से मल्टीप्लाई, t से t कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, फिर से हम सेम इसी प्रोसेस में आ जाएंगे, तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t माइनस, ये भी हो जाएगा आपका log t+1 + c, t का वैल्यू रख देंगे तो log e^x - 1 - log t+1 बराबर हो जाएगा e^x, ठीक है, यहां पे दिखा देता हूं ना, t+1 बराबर हमने क्या लिखा था, e^x + c, देखिए log e बेस पे e^x इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1, e बेस पे e का वैल्यू तो 1, तो ये जगह x, तो इसको लिखेंगे log e^x - 1, ठीक, -x + c, ठीक, तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, देखिए क्वेश्चन नंबर गौ कह रही है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या का निम्न अवरोधों के अंतर्गत, ठीक है, हल ग्राफी विधि द्वारा कीजिए, ठीक है, x + y < 4, x > 0, y > 0, क्वेश्चन आपका है 2 मार्क्स क्वेश्चन, सही है।
टू मार्क्स का क्वेश्चन में ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ठीक। देखिए एक ही हमारे पास अवरोध दे रखा है, जेड नहीं दे रखा है, तो बस आपको क्या करना है, ग्राफी विधि बना देना है इसको और छोड़ देना है सिंपली, ठीक। तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे हम, ठीक ना, मान लेते हैं, माना एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना जाएगा, फोर। तो एक्स वाई, एक्स जीरो, वाई का मान हो जाएगा फोर। अच्छा वाई जीरो जाएगा तो एक्स का मान हो जाएगा फोर, ठीक ना। पुटिंग करेंगे जीरो कॉमा जीरो। देखिए इस वाले क्वेश्चन में, समीकरण में जीरो कॉमा जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, जीरो इज लेस देन फोर, इसका मतलब ये हमारा सत्य है, ठीक। ये जीरो कॉमा एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, ठीक। तो एक हम ग्राफ बना देंगे यहाँ पे सिंपल छोटा सा, ठीक। ये जो हमारा एक्स अक्ष, ये जगह हमारा वाई अक्ष, पहला बिंदु है जीरो कॉमा चार, यहाँ पे ले लेते हैं, और चार कॉमा जीरो यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ से मिलाते हुए एक हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपली क्या कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जीरो कॉमा चार, ये हो जाएगा आपका चार कॉमा जीरो, ठीक है। इसके लिए हमारे इक्वेशन क्या सत्य है, ट्रू है। ट्रू के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ बनाते हैं। तो इसके लिए छायांकित भाग कहाँ जाएगा, मूल बिंदु की तरफ हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन याद रखना, x एंड y इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब x और y अक्ष के बाहर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे छायांकित भाग जो है वो हमारा इतना भाग मिल जाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, हल क्षेत्र कहलाएगा। इसको लिख सकते हैं हल क्षेत्र, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर गॉ फिनिश हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉ नंबर, यानी कि यदि a वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस का 3k और b वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस का जे प्लस का 5k, तो a क्रॉस b का मान ज्ञात कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। a वेक्टर का मान दे रखा है, a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी ओनली j कैप माइनस का 3k कैप, माइनस का 3k कैप, और b वेक्टर बराबर आपका दे रखा है बी वेक्टर 3i माइनस जे प्लस का 5k, 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का 5k कैप, ठीक है ना। हमें निकालना है इसमें a क्रॉस b निकालना है, ठीक है ना। तो a क्रॉस b निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड का यूज करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, दो मार्क्स में ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है ना, दो मार्क्स में ये क्वेश्चन देने लायक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, आई जे के, तो आई का वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2, 3, 1, माइनस 1, 1, माइनस 1, 3, 5, माइनस 3, और ये जगह 5, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो इसका एक्सपेंड करेंगे तो आई कैप, इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे हम, ठीक। ये दो बचेंगे तो 5 एकम 5, माइनस का माइनस होता है, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, प्लस का 3, माइनस का माइनस का जे, अब इसको छुपा देंगे, ठीक है ना। तो 5 दुना 10, 3 तिया 9, माइनस का 9, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, प्लस का के कैप, ठीक। अब इसको छुपा देते हैं तो एक एकम 1, माइनस का 2, सॉरी 1 दुना 2, ठीक है, 3 एकम 3, माइनस का 3, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2i कैप, देखिए जोड़ेंगे तो माइनस का 19 जे कैप, और इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 5 के कैप। तो यह एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समाप्त हो चुका है। अब क्वेश्चन हम 5th में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5th, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th कह रहे हैं कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। हमें अब 5 खंड सॉल्व करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं हमें। पहला है कि सारणिक विधि से बताइए कि बिंदु ए B प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी संरेख है, ठीक ना, ये संरेख है। तो सबसे पहले 3 बिंदु दे रखे हैं, बिंदु दे रखा ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा बी, बी कॉमा सी प्लस ए, ठीक है। और तीसरा बिंदु दे रखा है सी ए प्लस बी, हमें बताना है कि ये संरेख है। तो देखिए सबसे पहले संरेख के लिए कंडीशंस क्या होता है, संरेख के लिए कंडीशन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सारणिक विधि से यूज करना है,
तो सारणिक विधि में हम क्या दिखा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो, एक बटे दो वन 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 एक्स वन वाई वन सॉरी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं हम। तो वन बाय टू, वन बाय टू ठीक है ना, वन 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 एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स वन का वैल्यू ए, एक्स टू का वैल्यू बी और एक्स थ्री का वैल्यू सी, और ऐसे बी प्लस सी ठीक है ना, सी प्लस ए और ए प्लस बी। तो सिंपली देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे हम, फिर ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिमिलर आ जाएगा ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सी टू को चेंज करते हैं सी टू प्लस सी वन, हाँ सॉरी सी टू को चेंज, हाँ कर दो, सी टू को चेंज कर देते हैं सी थ्री से ठीक है, सी थ्री को चेंज कर देते हैं सी टू से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये आ जाएगा वन बाई टू ठीक, या सी थ्री को चेंज कर देते हैं ना, सिंपली ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा हमें, एक 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 ए बी सी, ये जो ए प्लस बी प्लस सी इनको जोड़ेंगे तो ये भी जो ए प्लस बी प्लस सी इनको भी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी ठीक। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये एक बटे दो, एक बटे दो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो ये वन 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 ए बी सी वन 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 ठीक। देखिए किसी भी मैट्रिक्स सॉरी किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जैसे ये वन वन ये वन वन है, जब भी ये दोनों बराबर होंगे, दो कॉलम बराबर हो या दो रो बराबर हो, तो उसका वैल्यू हमें से क्या होता है, जीरो आता है, क्या आता है, जीरो आता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा ठीक ना, तो इक्वल टू हाफ ऑफ टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो, तो इक्वल टू क्या जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो है इसका मतलब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, त्रिभुज नहीं बनेगा तीन बिंदु से, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो लिखेंगे अतः तीनों बिंदु संरेख है ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि ये 5 नंबर में क्वेश्चन देना था हमको, ये आप 2 नंबर में दे सकते थे इस क्वेश्चन को, दो नंबर में देखे क्वेश्चन में, फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट था उसको हम 5 नंबर में दे सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी नेक्स्ट बढ़ते आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन कह रहे कि समीकरण टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एट अपॉन 31 को हल कीजिए ठीक ना। यहाँ हल करने का मतलब है कि इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा ठीक। तो देख लेते क्या क्या दे रखा है, तो दे रखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस टेन इनवर्स ठीक ना एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इक्वल टू टेन इनवर्स 8/31, 8/31। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपली यहाँ पे हम यूज करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला लिख देता हूँ, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय वन माइनस ए इंटू बी ठीक ना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया ठीक ना, इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे ठीक। देखिए कैसे यूज करेंगे, तो पहला पार्ट जो हो जाएगा इसमें इस यूज करेंगे, तो टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस ए प्लस बी, तो यह एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन इक्वल टू 8/31, 8/31। तो देखिए वन से वन यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो यह टेन इनवर्स सॉरी यह टेन इनवर्स 8/31। देखिए टेन इनवर्स एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सॉरी वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये टू एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, इक्वल टू टेन इनवर्स 8/31, 8 इनवर्स से 8 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहां पर बचेगा टू एक्स अपॉन ठीक ना वन माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वन
माइनस माइनस का जगह ये आपका प्लस का जाएगा, ठीक। तो प्लस का वन इक्वल टू 8/31, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 टू जो 62x, 62x, ठीक। या आप चाहे तो यहाँ पे 2 से इसको काट दीजिए, 2 टू जो 4, 31 के अंदर मल्टीप्लाई करना 31x माइनस का सॉरी बराबर में 4, 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक और एक कितना जाएगा 2, तो 31x इक्वल टू 8 माइनस, ठीक, 4x का स्क्वायर, कितना जाएगा 4x का स्क्वायर। अच्छा, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस का 31x माइनस का 8 इक्वल टू 0। देखिए 8 चौक 32, 32 का ऐसा खंड करना, जोड़ने घटाने पे कितना 31 है, तो 32 से कम 32, 32 माइनस 1 31 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 4 कॉमन आएगा, 4x, तो x प्लस का 8 बचेगा, माइनस का 1 यहाँ से कॉमन आएगा, तो x प्लस का 8 बराबर 0, तो x प्लस 8 आपका ये बचेगा और 4x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, ठीक ना। तो x इक्वल टू माइनस का 8 और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1/4, क्योंकि 1 इधर जाएगा, 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x का ये दो वैल्यू जाएगा, माइनस का 8 और 1/4, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कहीं मिस्टेक हो गया हो तो बता देना आप कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th का गॉ देखते हैं। देखिए गॉ नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि वाई इक्वल टू रूट ऑफ होल रूट में पूरे रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस पूरे रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस पूरे रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कह रहे ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है हमें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जब भी इन्फिनिटी सीरीज के क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, एक टर्म्स को छोड़ के बाकी टर्म्स की जगह क्या ले लेना है, आपको y ले लेना है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे, देखिए y बराबर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। और इस पूरी की जगह यहां से इन्फिनिटी तक इस पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, क्योंकि एक टर्म्स को अगर इन्फिनिटी इनफाइनाइट टर्म्स है उसमें से एक टर्म्स को अगर हटा देंगे या छोड़ भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए इस टर्म्स को अगर हटा भी देंगे तो यहां से यहां तक सीरीज वही सेम है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो लिखूंगा प्लस वाई, ठीक है। दोनों पक्षों में मैं वर्क कर देता हूं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए बाई टू इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अब इसका डिफ्रेंशिएट करता हूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट डी अपॉन डी एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ठीक, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक, ये निपटा दो। देखो वाई, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, चेन रूल, अच्छा, इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट हो जाता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ये जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा इसका, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, सॉरी यहाँ पे प्लस का होगा, इस वाले टर्म्स को उठा के ले आते हैं, तो टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये एक्स हो जाएगा, ठीक, हो जाता है कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो टू वाई माइनस वन इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घ पार्ट, कह रहे कि अवकल समीकरण x प्लस बाई डी वाई एक्स माइनस बाई डी एक्स बराबर जीरो को हल कीजिए, ठीक है ना, बराबर जीरो को हल कीजिए, हल करना है इसको, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, बराबर माइनस का ले लेंगे इसको, हाँ,
क्योंकि प्लस में नहीं रहेगा, प्लस बराबर जीरो। तो x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। ठीक, यहां से हम निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखिए अब ये जो इक्वेशन है इसमें ना तो हम x और y को सेपरेट कर सकते हैं, इसको लीनियर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो इक्वेशन है ये हमारा अगर लीनियर भी नहीं है और वेरिएबल सेपरेशन मेथड भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होमोजेनियस इक्वेशन को इंडिकेट करता है। तो होमोजेनियस इक्वेशन को इंडिकेट करता है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में से x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन आ जाएगा, तो y अपॉन x माइनस वन डिवाइडेड बाई, नीचे से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो वन प्लस y अपॉन x को इंडिकेट करेगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, y अपॉन x माइनस वन डिवाइडेड बाय y अपॉन x प्लस वन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, देखते हैं ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है ना, लिखेंगे यहां ये है एक शून्य घातीय अवकल समीकरण है। जब ये शून्य घातीय अवकल समीकरण है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट करते हैं मान इंटू एक्स। ठीक ना, शून्य घातीय अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए मेथड होता है वाई इक्वल टू वी इंटू एक्स। इसका डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए यहां पे लिखेंगे इसको डी अपॉन डी एक्स वी इंटू एक्स, दो फंक्शन है। ठीक ना, दो फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स का हो जाएगा वन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहां से हमें मिलेगा डीवाई अपॉन डी एक्स, डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिलेगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर एक। ठीक है ना, समीकरण एक से देखो डीवाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू रख देंगे, यहां पर ये देखेंगे डीवाई अपॉन डी एक्स और वाई अपॉन एक्स, तो यहां से वाई अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका वी। तो देखिए यहां पे आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन। देखिए यहां पे आ जाएगा वी माइनस वन वी प्लस वन, वी को इधर ले जाते हैं, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन माइनस का वी, बट्टे में वन ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा वी प्लस वन। ठीक है ना, वी इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो वी माइनस वन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का वी स्क्वायर, वी इंटू वी क्या जाएगा वी स्क्वायर, वन से करेंगे तो माइनस का वी। तो देखिए इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, वी से भी क्या जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस वन, वी प्लस वन। अब इसका हमें सॉल्व करना है, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल तरीका है, जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों पक्षों में क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी, है ना। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करेंगे, v वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, तो वन प्लस वी अपॉन, ठीक है ना, वन प्लस वी स्क्वायर dv, dx का अंदर मल्टीप्लाई जाए तो माइनस का dx अपॉन x। ठीक ना, हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन देखिए वन प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर ऑफ डी वी। ठीक है, इसको एक के बट्टे में लिख लेते हैं प्लस इंटीग्रेशन वी, वी को इसके बट्टे में ले लेते हैं, तो वन प्लस वी स्क्वायर ऑफ डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है ना, देखिए वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, ये टेन इनवर्स वी का फॉर्मूला होता है, तो यह टेन इनवर्स वी प्लस, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो इसकी जगह हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे, इसकी जगह अगर v सब्स्टिट्यूट कर t सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो जगह 2v, क्योंकि v स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कर 2v dv इक्वल टू dt, तो v dv इक्वल टू dt बाई 2, तो जगह 1 बाय 2। तो देखिए ये t बचेगा, और 1 बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो जगह log t का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा बनो log t, और t का वैल्यू जो 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का log x प्लस c।
अच्छा वी बराबर हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, अगर आपको याद है तो वी बराबर हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया था वाई अपॉन एक्स, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है ना, वी इक्वल टू क्या रखा था वाई अपॉन एक्स रखा ना, तो यहाँ पे वी की जगह वाई अपॉन एक्स रख देते हैं, तो यह टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस वन बाई टू लॉग, ये जगह आपका वन बाई टू लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर लॉग एक्स माइनस का प्लस सी, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं फिर देखते क्या आते हैं, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस वन बाय टू लॉग, देखिए एक्स का मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। अच्छा लॉग एक्स को ना हम इधर ले आते हैं, तो ये इधर आके हो जाएगा आपका प्लस में बराबर सी, बराबर सी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, सिंपली हम क्या करते हैं प्लस का आगे ना आप लिखेंगे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस वन बाई टू, इसमें से कॉमन ले लेते हैं लॉग वाले टर्म्स में से, तो लिखेंगे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये इधर जो टू लॉग एक्स बराबर सी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, मैं चाहो तो इसको दो मिनट दो लाइन में सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे सर शॉर्ट करा दिया बहुत, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसको खींचता हूँ मैं एक एक लाइन करके, ठीक। देखिए ये इसके पावर में चला जाएगा लॉग, ठीक है ना, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है लॉग एम इंटू एन, तो इंटू ये जगह आपका एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट कर दिया क्योंकि ये वाला टू इसके पावर में जाएगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू होता है लॉग एम इंटू एन, और एक फॉर्मूला होता है लॉग एम की पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम, ठीक ना। तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो हमने सेम यहाँ पे यही किया है, टू इसके पावर में चला गया तो ये जगह एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और इंटू में था तो हमने इसमें क्या कर दिया मल्टीप्लाई में कर दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाए तो बराबर सी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक ना, जब भी आंसर लिखते हैं आप उनको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, ठीक, रॉ नंबर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते क्या है इसमें, देखिए यह है क्वेश्चन, कह रहे कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष इसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, पांच नंबर में दे रखा है, बहुत बढ़िया है। देखिए मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या है r और r बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, गोले का आयतन या गुब्बारे का आयतन, यहां पे क्या दे रखा है गुब्बारा ना, तो गुब्बारे का आयतन v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं r के सापेक्ष क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष का है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये dv अपॉन dr इक्वल टू 4/3 पाई, ठीक है ना, r क्यूब 3r का स्क्वायर, ठीक, आर के सापेक्ष कर रहे तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 3r² 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 4πr का स्क्वायर। अच्छा ये देखिए 4π इंटू आर का वैल्यू कितना रखा आपका 10, यहाँ पे रख देते 10, तो 10 का स्क्वायर कितना जाएगा 100, 100 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा आपका 400π, ठीक ना, तो जाएगा डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू 400π सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये।
ठीक है ना, मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपके 2 नंबर्स में आने चाहिए, 5 नंबर में फालतू में दे दिया क्वेश्चन, लेकिन दिया है 5 नंबर में तो इसका मतलब इसका आपका बेनिफिट है, ठीक, और आपका ही बेनिफिट इसमें होना चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर देना, ठीक, अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं वीडियो को। लास्ट क्वेश्चन है, ये खुद करेंगे आप, मैं आपको समझा देता हूँ बस। फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 9x² + 6x - 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ रियल नंबर 2 -5 + ∞ पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ इनवर्स वाई इक्वल टू रूट ऑफ ये जगह 6 + y + 6 - 1/3, तो ये इनवर्स फलन हमारा दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिद्ध कीजिए कि ये एफ जो है व्युत्क्रमणीय फलन है। एफ व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है, जब आई एक्स इक्वल टू होता है एक्स और आई वाई इक्वल टू होता है वाई, ठीक है। अगर ये कंडीशन अगर कोई भी सेटिस्फाई करता है तो उस कंडीशन में एफ जो है वो हमारा व्युत्क्रमणीय फलन होगा, और उस कंडीशन में जो वाई का वैल्यूज जो आएगा, मतलब एफ एक्स का जो वैल्यूज आएगा वाई के टर्म्स में, वही उसका क्या हो जाएगा, हमारा व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, अगर नहीं होता है तो आप बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को पढ़ाते रहिए, और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, आपको जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते रहिए। देखिए इसके बाद जो मेरे पास जो आपका क्या कहते हैं पीडीएफ जो मैंने प्रिंट किया था, उसमें इस सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5th तक ही है, इसमें 6, 7, 8, 9 जो है वो गायब है एक पेज, ठीक ना। तो मैं उसको अरेंज करके कहीं से फिर बनाऊंगा वीडियो, अगर नहीं मिलता है तो हम सेट सेकंड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियोज को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय।